Hello everyone, I am Sarthak, Senior Faculty, Abhimanyu IAS, and I welcome you to Abhimanyu IAS. So with this, let's start our video of the day. The topic of the day is monetary policy. Monetary policy economy ka ek bahut important topic hai. Aaj isko cover karenge. Apne Haryana upcoming exam, jo hamara HCS ka upcoming exam hai, uske liye bahut hi relevant topic hai. Right? So with this, let's start our video. Okay. Just a sec. Okay, so now what is monetary policy? Monetary policy is to control, it is made a policy to control the money supply. Aap kya control karoge yahan par? Money supply in the market. यहां मार्केट से मतलब है अपना इंडियन इकोनॉमी. राइट, मॉनेटरी पॉलिसी क्या है? आपको मनी सप्लाई, इसको आप लिक्विडिटी भी बोलते हैं हम, कि मार्केट के अंदर कितनी लिक्विडिटी चलती है. बट यहां पर लिक्विडिटी वर्ड नहीं यूज करके सिंपल मनी सप्लाई ही यूज करेंगे. मॉनेटरी पॉलिसी कहां से आया? मनी से, मनी सप्लाई से, कि मनी सप्लाई का कंट्रोल करना, कि मार्केट के अंदर कितना मनी सप्लाई है, कितना मनी एग्जिस्ट कर रहा है, क्या ज्यादा या कम तो नहीं है. क्योंकि हमेशा एक परफेक्ट, एक बैलेंस मेंटेन करने की ट्राई करती है मॉनेटरी पॉलिसी. किस चीज का? मनी सप्लाई का बैलेंस बना रहे. राइट, बैलेंस का मतलब उसका फायदा क्या होगा? बिकॉज टू मच वॉलेटिलिटी इज नेवर गुड फॉर द मार्केट, इज नेवर गुड. बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी नहीं होनी चाहिए. बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी का मतलब क्या है? बहुत ज्यादा पैसा भी नहीं होना चाहिए, बहुत कम भी नहीं होना चाहिए, हमेशा एक बैलेंस्ड होना चाहिए. राइट, इसको अगर मैं आपको इकोनॉमिक टर्म्स में कहूं, सो हमेशा मार्केट के अंदर एक लो एंड मॉडरेट इन्फ्लेशन मेंटेन रहनी चाहिए. राइट, इन्फ्लेशन क्या होती है? अभी के लिए सिंपली इतना समझे, इन्फ्लेशन मतलब महंगाई. ये थोड़ी सी महंगाई जरूर रहनी चाहिए हमेशा मार्केट में. बिल्कुल ऐसा भी नहीं होना कि चीजें बहुत ज्यादा सस्ती हैं, बिल्कुल लो, एकदम ही कम, मार्केट में कोई डिमांड ही नहीं है, पैसे सब कुछ सस्ते में मिल रहा है, ले जाओ ले जाओ ले जाओ, नहीं, वो भी इकोनॉमी के लिए बैड है. और ऐसी सिचुएशन भी नहीं होनी चाहिए कि इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा हाई है, हर चीज बहुत महंगी है कि आप खरीद ही नहीं पा रहे. जब आप खरीद ही नहीं पाओगे तो ऑब्वियसली सप्लाई अपने आप कम होता चला जाएगा उसके हिसाब से, तो वो भी अच्छी चीज नहीं है. हमेशा एक मॉडरेट इन्फ्लेशन मेंटेन रहनी चाहिए लाइफ, राइट, मार्केट के अंदर. और वो जो मनी मॉनेटरी पॉलिसी के अकॉर्डिंग, अभी देखेंगे मॉनेटरी पॉलिसी के अकॉर्डिंग, इट शुड बी अराउंड 2-6% एवरेज, मतलब 4% के अराउंड ट्राई करते हैं वो मैनेज करने की. और 4 ± 2 मतलब 2 से लेकर 6% का जो ब्रैकेट है उसके अंदर इन्फ्लेशन रहनी चाहिए, जिसमें से 4% एक परफेक्ट नंबर है कि 4% के अराउंड इन्फ्लेशन मेंटेन रहे. राइट, आई होप चीजें समझ में आ रही होंगी कि मार्केट के अंदर मनी सप्लाई को कंट्रोल करना है, कि एक ऑप्टिमम अमाउंट ऑफ मनी सप्लाई मार्केट के अंदर रहे. राइट, ना ज्यादा ना कम, उसके लिए मॉनेटरी पॉलिसी बनाई जाती है. ओके, अब मॉनेटरी पॉलिसी सबसे पहली बात कौन बनाएगा? मॉनेटरी पॉलिसी, इसको शॉर्ट में हम एमपी लिखेंगे आपसे, एमपी. मॉनेटरी पॉलिसी को कौन बनाता है? आरबीआई. इंडियन मॉनेटरी पॉलिसी को हमेशा नॉर्मल मॉनेटरी सेंट्रल बैंक बनाया किसी भी नेशन का, और इंडिया के केस में कौन होगा वो? अपना आरबीआई. सो आरबीआई विल मेक द मॉनेटरी पॉलिसी फॉर इंडिया. राइट, सो मॉनेटरी पॉलिसी, अब क्या आरबीआई खुद बनाएगा? यस, आरबीआई को इसकी आरबीआई एक्ट के अंदर पावर मिली हुई है. यस, यू हैव टू मेक द मॉनेटरी पॉलिसी, एंड फॉर दैट इन 2016 अ सेपरेट मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी वाज फॉर्म्ड बाय आरबीआई. इसका टारगेट क्या होता था? प्रॉपर मॉनेटरी पॉलिसी बनाना. राइट, मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी बनाई गई 2016 के अंदर, जो मॉनेटरी पॉलिसी बनाती थी. आई होप चीजें समझ में आ रही होंगी. ओके, अब सबसे बड़ा क्वेश्चन जो यहां पर आएगा, ये तो चलो फैक्ट्स हो गए बेसिक, अब जो मेन चीज है कि सर ये जो मॉनेटरी पॉलिसी आपने बता दी आरबीआई बना रहा है, पर वो मॉनेटरी पॉलिसी से करता कैसे है, मनी सप्लाई को कंट्रोल कैसे करता है? सो उसके लिए उसके प्रॉपर टूल्स है उसके पास. राइट, दे हैव टू टाइप्स ऑफ टूल्स, वन इज क्वांटिटेटिव टूल्स, अदर इज क्वालिटेटिव टूल्स, अदर इज द क्वालिटेटिव टूल्स. ये दो टूल्स है उसके पास, क्वांटिटेटिव टूल्स एंड क्वालिटेटिव टूल्स. राइट, इन दो टूल्स की हेल्प से जो मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी है, इन दो टूल्स की हेल्प से, या फिर आरबीआई फॉर दैट मैटर, इन दो टूल्स की हेल्प से मॉनेटरी पॉलिसी को कंट्रोल करती है.
अब इस क्वांटिटेटिव टूल्स के अंदर कौन कौन से आएंगे, इन सबको हम एक एक करके देखेंगे अगले लेक्चर्स के अंदर. लाइक वन इज सीआरआर, देन एसएलआर, जिनको हम रिजर्व रेशियोज बोलते हैं दोनों को. देन द मोस्ट इंपॉर्टेंट द पॉलिसी रेट इज, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज द पॉलिसी रेट, विच इज द रेपो रेट, जिसके ऊपर मैंने एक सेपरेट वीडियो ऑलरेडी बना रखी है, आप जिसको चेकआउट कर सकते हैं. देन द अदर इज रिवर्स रेपो रेट, राइट, रिवर्स रेपो रेट और MSF, राइट. देर आर अदर ऑल्सो, OMO, ओपन मार्केट ऑपरेशन, MSS. MSS बेसिकली टूल नहीं है, बट यस काइंड ऑफ, उसका ऑब्जेक्टिव अलग है. बट OMO, ओपन मार्केट ऑपरेशन, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. CRR, SLR, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, OMO, ऑल आर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स. व्हेन आई एम सेइंग इंपॉर्टेंट, इट डजंट मीन कि वो बहुत टफ भी है. चीजें अगर इंपॉर्टेंट है तो इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत रेलिवेंस है, काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं. बट इसका यह मतलब नहीं कि वो टफ है, इनको समझना बहुत टफ है. इनको समझना इजी है इफ यू फॉलो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू. एक ही साइकिल में समझो, एक ही लाइन को पकड़ के रखते हैं तो ये सारे के सारे बहुत इजीली समझ में आते हैं. एवरी क्वेश्चन आउट ऑफ दिस कैन बी फ्रेम, आप सारे के सारे क्वेश्चन भी आंसर कर दोगे, फिर कोई इशू नहीं आएगा इन सब में से, राइट. सो सीआरआर, एसएलआर, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ओएमओ, ऑल दीज आर व्हाट, क्वांटिटेटिव टूल्स. नाउ तो ये तो मैंने आपको बता दिया इनको बोलते हैं. अब क्वांटिटेटिव टूल्स होते क्या है, इनको क्वांटिटेटिव बोला क्यों जा रहा है, बिकॉज दे आर कंट्रोलिंग द क्वांटिटी ऑफ मनी. ये उस पर बेस्ड है, ये सारे के सारे क्या कर रहे हैं कि मार्केट में कितनी क्वांटिटी मनी की जानी चाहिए या मनी क्वांटिटी वापस खींचनी है, राइट, टू सक आउट द ऑल द लिक्विडिटी और टू इन्फ्यूज लिक्विडिटी. बोथ आर कंट्रोल्ड बाय दिस दीज क्वांटिटेटिव टूल्स. दैट इज द रीजन दे आर द क्वांटिटी, राइट, दैट इज द रीजन दे आर कॉल्ड एज क्वांटिटेटिव टूल्स. एंड दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज जनरल, इनको जनरल टूल्स भी कहा जाता है, इसीलिए दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज जनरल और इनडायरेक्ट टूल्स. वाई, बिकॉज ये किसी पर्टिकुलर सेक्टर को टारगेट नहीं कर रही, जनरल है, होल इकोनॉमी को इंपैक्ट करेंगे, राइट. इनडायरेक्ट है मतलब डायरेक्ट नहीं किसी को बोला जा रहा, उसका इनडायरेक्ट इंपैक्ट पड़ेगा इकोनॉमी के ऊपर. इन टूल्स का डायरेक्ट इंपैक्ट ना पड़ के इनडायरेक्ट इंपैक्ट पड़ता है, राइट, किसी के थ्रू पड़ रहा होगा. फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने रेपो रेट में देखा है, तो उसके में क्या अज्यूम किया जा रहा होता है कि जो बैंक है आरबीआई बैंक को अगर सस्ता इंटरेस्ट पे लोन दे रहा है अंडर रेपो रेट, तो आरबीआई एक्सपेक्ट करेगा बैंक से कि बैंक भी आगे फर्दर सस्ता लोन देगा. उस पर मैंडेशन नहीं है बैंक के ऊपर कि हाँ उनको कम रेट इंटरेस्ट रेट पे देना ही देना, बट उनपे एक्सपेक्टेड है. तो इन दैट सेंस इट इज इनडायरेक्ट, राइट, दैट इज द रीजन इट इज कॉल्ड एज जनरल और इनडायरेक्ट. एंड व्हेन इट कम्स टू क्वालिटेटिव टूल्स, दे आर कॉल्ड एज डायरेक्ट एंड सिलेक्टिव, बिकॉज दे आर क्वालिटेटिव टूल्स. क्या है ये, क्वालिटी ऑफ मनी को कंट्रोल कर रहे हैं, मतलब कि एक पर्टिकुलर सेक्टर को डेडिकेटेड है, कि एक पर्टिकुलर सेक्टर की तरफ ध्यान जाएगा इनका. लेट्स से वल्नरेबल सेक्शंस है, दे वांट कि वल्नरेबल सेक्शंस के अंदर पैसा ज्यादा जाए, विमेन की हेल्प के लिए ज्यादा पैसा जाए, एग्रीकल्चर के लिए ज्यादा जाए. तो ये डायरेक्ट है, सिलेक्टिव है कि हाँ इसी फील्ड के अंदर जाना चाहिए, इसी सेक्शन में जाना चाहिए, इसी सेगमेंट ऑफ सोसाइटी में पैसा जाना चाहिए, राइट. सो दे आर डायरेक्ट एज वेल एज सिलेक्टिव, दैट इज द रीजन. इसको अलग लेक्चर में पढ़ेंगे, क्वांटिटेटिव को एक एक करके देखेंगे. इसमें से रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट हम ऑलरेडी देख चुके हैं, सीआरआर, एसएलआर, ओएमओ, एसएस, एक एक करके देखेंगे इन सबको, राइट, फर्दर लेक्चर्स के अंदर. और क्वांटिटेटिव के लिए भी एक लेक्चर में लेके आऊंगा, बहुत ईजी है क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव थोड़ा समझने वाला है, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है, राइट. सो विद दिस वी हैव रीच द एंड ऑफ टुडेज वीडियो. बाकी सारे टॉपिक में फर्दर आपके लिए ऐसे ऐसे लेक्चर लेके आता रहूंगा जिसमें इनको कवर करेंगे, राइट. एंड आई हैव अ वेरी गुड इन्फॉर्मेशन फॉर यू. अभिमन्यु आईएएस, राइट, अभिमन्यु आईएएस, क्योंकि आपको बताने मेरे को, आई डोंट थिंक सो आई नीड टू एम्फसाइज मोर ऑन दिस, कि ये बहुत ही 25 साल पुराना इंस्टीट्यूट है, राइट. हमें अपनी टेस्टिमनी देने की जरूरत ही नहीं है, वो हमारा एक्सपीरियंस ही बोलता है, वेयर वी कैन टेल कि भाई हमने 2200 ज्यादा सिलेक्शन लिए हुए, राइट, स्टेट पीसीएस एग्जाम में वो ऐसे ही नहीं आए. बहुत ही एक्सपीरियंस इंस्टीट्यूट है, बहुत एक्सपीरियंस फैकल्टी हमारे पास, राइट. एंड अगर मैं यूपीएससी की बात करूँ तो 4800 प्लस सिलेक्शन काउंट हो जाएंगे इसके अंदर. और एक चीज आपके सामने ये भी है, HCS 2023 का रिजल्ट है जिसके अंदर हम वी वर एबल टू गैदर मोर देन 25 प्लस सिलेक्शंस, राइट. और ये फ्रेम के अंदर अगर आपको अपनी पिक चाहिए, यू ऑल्सो बिकम वन टू बिकम एन HCS टॉपर, सो वी हैव अ वंडरफुल ऑप्शन फॉर यू, वेयर वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड एन ऑफलाइन बैच दैट स्पेशली डेडिकेटेड फॉर HCS. 1 नवंबर से ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है. इसके जो रजिस्ट्रेशन का जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. कोई भी इंक्वायरी है आपको इससे, उसके लिए आप नीचे कॉल हम नंबर प्रोवाइड कर रखा है, उसका कॉल करके पूछ सकते हैं. अगर आप एक्चुअली HCS बनने का ड्रीम ले रहे हैं तो इट इज अ वंडरफुल ऑप्शन फॉर यू, ज्वाइन इट एज सून एज पॉसिबल. नीचे लिंक पे क्लिक करें एंड यू कैन रजिस्टर फॉर योरसेल्फ.
कोई भी इंक्वायरी है कॉल नंबर पे कॉल करें एंड गेट योर इंक्वायरीज रिजॉल्व्ड. सो विद दिस आई विश यू बेस्ट ऑफ लक एंड आई सिंसियरली होप कि आप अगर एक्चुअली एक हार्ड वर्किंग स्टूडेंट है तो आप और एक रियल ड्रीम देखा है आपने तो आप एक एचसीएस ऑफिसर बने. एंड सो आई विश यू ऑल गुड लक फॉर योर फ्यूचर एंडेवर्स. एंड टिल आवर नेक्स्ट वीडियो आई विश यू टेक केयर एंड बाय. थैंक यू.